आज मसूर दाल की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और ये बच्चे बड़ों सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मसूर दाल हम सब जानते हैं कि सेहत के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 कप मसूर दाल को 3 से 4 घंटा के लिए भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, आप 3 से 4 घंटा पहले छोड़ दें इसे पानी में, ये अच्छे से फूल जाएगी। अब इसे हमें वॉश कर लेना है 2 से 3 पानी से। अब इस दाल को डाल दें प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो किसी पतीला में भी इसे कुक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें डाल दें 1 गिलास पानी, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। और हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 1 सीटी आने तक हम पका लेंगे, ज़्यादा कुक हमें नहीं करना है। ये दाल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें चाहिए कुछ यहाँ पे सब्जियाँ, जो कि प्याज है। प्याज को आप इस तरह से कट कर ले, आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। और 1 टमाटर है, थोड़े से लहसुन कटे हुए, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है हरा प्याज। बहुत कम सामान के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हम दाल जो है वो कुक हो गई है, तो हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के इसे ठंडा होने देंगे। ये एकदम से सॉफ्ट हो गई है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, साथ में डाल दें जीरा 1/4 टीस्पून, हींग, सूखी लाल मिर्च और सभी को ऑयल के साथ मिक्स कर दें। अब यहाँ पे डाल दें हरा प्याज और हरा प्याज को 1 मिनट के लिए भून लें। जब सारा फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा तो हम डाल देंगे यहाँ पे स्लाइसेस में कटे हुए प्याज और इसे मिक्स करेंगे। हम कवर करके कुछ देर के लिए पका लेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को मिक्स करना है। अब इसमें डाल दें ये 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। अब क्वांटिटी के हिसाब से डालें सारा मसाला और इसे मिक्स कर दें। अदरक लहसुन को बस 1 मिनट के लिए पकाएं, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें डाल दें टमाटर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक और सभी को अच्छे से मिक्स करें। आप चाहे तो कोरिएंडर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स करके हम इसे कवर करके पकाएंगे। हमें यहाँ सारे मसालों को अच्छे से पकाना है, अच्छे से एकदम मैश करना है। अब यहाँ पर डाल दें उबले हुए दाल और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा मैसर से इसे मैश कर दें। उसमें डाल दें पानी। पानी यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डालें और इसे मिक्स कर दें। मिक्स करके इसमें हम 1 उबाल आने देंगे। और लास्ट में हमें डाल देना है 1 चम्मच किचन किंग मसाला और ये कोरिएंडर लीव्स। ये हमारी अमेजिंग सी दाल बनके तैयार है। आप इसे ऐसे ही चावल के साथ खाइए, आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लहसुन से इसका तड़का लगाएंगे। सिर्फ लहसुन और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल के हमें इसमें
तड़का लगा देना है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए अपने घर में, कैसी बनती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।